बीजेपी विधायक को जनता द्वारा खदेड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद सपा पर सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड बोलते हुए नजर आए। कहा, जनता ने नहीं बल्कि सपा के गुंडों ने बदसलूकी की थी, ऐसे गुंडों को चिन्हित कर दे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जीत से विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं, उन्हें एक बार फिर मौका मिलेगा। आपको बता दें, एटा के थाना मलावन क्षेत्र के गाँव कंगरौल में ग्रामीणों ने विधायक और उनके समर्थकों के साथ अभद्रता की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो जिसमें आपके साथ समझ के साथ एक गांव में कुछ ग्रामीण जो है अभद्रता करते, पूरा मामला क्या है, किस प्रकार का ये मामला हुआ बना? देखिए, इसमें पहले तो करेक्शन कर लीजिए, वो ग्रामीण नहीं थे, एक पार्टी विशेष के एक पार्टी समर्थित स्पष्ट तौर से दारू पिए हुए गुंडे तत्व थे, जिनको मैं पहचानता हूँ। और हम लोगों ने उस गाँव के अंदर वोट मांगा, उनका प्रयास था कि वोट न मांग पाए। हमने वहाँ पर रहने वाले गुप्ता, हमारे वहां रहने वाले वैश्य समाज के लोग, वहां रहने वाले ब्राह्मण समाज के लोग, वहां रहने वाले शाक्य समाज के लोग, वहां रहने वाले दलित समाज के लोगों और वहां रहने वाले यादव लोग, जो भले लोग हैं, उन सब ने वोट मांगा। इनका प्रयास था कि वो वोट न मांग पाए, इसलिए एक रणनीति के तहत, क्योंकि यहां पर जो प्रत्याशी है वो एक स्पष्ट तौर पर आप जानते हैं माफिया है, भू माफिया है, बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसकी कुछ लोगों से साठगांठ इस तरीके के लोग हैं, वो प्लानिंग इस तरीके की करता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन इसी में कुचरकों में निकला है, दूसरों पर एफआईआर कराने में निकला है, उसकी चाल चरित्र चेहरा पूरी जनता जानती है। उसका एक प्रयास था कि इस तरीके के वीडियो बना के, लेकिन मैं बता दूं देवेश जी, आप बड़ा धन्यवाद देता हूं जनता में कि उसका मैसेज उल्टा गया है, जनता जानती है मेरे बारे में। मैंने अब तक पूरी जनता में पूरा सेवा किया, मेरे घर पर कोई भी आया, किसी जाति धर्म का आया, किसी पार्टी का भी आया है, मैंने सम्मान के साथ उसका काम किया है। मैंने कभी पार्टी बंदी को बढ़ावा नहीं दिया, मैंने कभी जातिगत भावना को बढ़ावा नहीं दिया, मैंने कभी भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया। मेरी स्पष्ट सेवा भाव है, क्योंकि मैं जन सेवक हूँ, मैं लोक सेवक हूँ, मैं सेवा के लिए जाना जाता हूँ। इस बात को आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो हर व्यक्ति कहेगा कि विधायक के यहाँ जाने पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, उनका प्रयास काम करने का था और रहा। तो इसका वीडियो जो उन्होंने कुचल कर रख के जो प्रयास किया है जो दिखाने का, ये बहुत कहना चाहिए उनका निंदन से सोच थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जागो राके साइयां मार सके ना कोई, वैसी है उनकी इच्छा जो है, लेकिन जनता की इच्छा स्पष्ट है। जनता में जो मैसेज गया है वो स्पष्ट गया है कि गुंडा पार्टी थी, गुंडा पार्टी है और ये गुंडागर्दी करती है। इसका मैसेज उत्तर समाज में भी गया है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन नहीं होने देने का मतलब है इस तरीके से पार्टी विशेष, जात विशेष के लोगों को बदनाम करना। इसका मेरा मानना यह है, उस जाति विशेष के लोगों में भी इस बात को लेकर के बड़ा रोष आया है कि इस तरीके की जो भावनाएं प्रकट की गई, जिस तरीके का जो माहौल बनाया गया, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस तरीके के हथकंडे वो अपनाना चाहते हैं अपनाइए, प्रभु और जनता मेरे साथ है और जीत मेरी सुनिश्चित है। आपके इन्हीं कुछ शर्तों से मेरा वोट घट नहीं रहा है और बढ़ेगा, इस बात को आश्वस्त रखिए। उनकी जो चाटकारों की टीम है वो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ाने में विश्वास करती है, तो ऐसे लोगों को मैं और कहूंगा और इस तरीके का प्लान करिए और करिए, और आप जैसे लोगों के कामों से मेरी जीत और अच्छी होने वाली है। वायरल वीडियो जिस प्रकार आपके कार्यकर्ता के साथ अभद्रता भी की जा रही है, जिस प्रकार की वायरल वीडियो दिख रहा है, अभद्रता हो रही है, आपके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है, तो क्या इसको लेकर के आपने कोई कार्रवाई के लिए भी लिखा है, इस पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी मैंने कार्रवाई नहीं, वो लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, मैंने प्रशासन को अवगत कराया है और उसमें वो पार्टी का झंडा डाले हुए थे, उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप पार्टी विशेष के लोग, आप लोगों अपनी पार्टी का काम करिए, हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बाकायदा वोट मांगा, मैंने कहा ना, उस गांव में रहने वाले वैश्य समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अच्छे यादव लोग, उनको वोट मांगने नहीं देना चाहते हैं लोग, अब वो वोट देने को तैयार हो, वो वोट दे गए। लेकिन मैं बता तो रहा हूँ आपको कि ये जो गुंडा भाव इनके अंदर है, इन्होंने फिर स्पष्ट कर दिया है ये पार्टी गुंडा पार्टी है, इसका प्रत्याशी गुंडा था, गुंडा है, गुंडा रहेगा। इसकी जो पूरी तरक्की है ये दूसरों की जमीन छीन करके हुई है, गरीब मजदूर किसान आप आसपुर पर देखिए, आप बघेल समाज की जमीनों को देखिए, शाक्य समाज की जमीनों को देखिए, दलितों की जमीनों को देखिए, कितनी जमीनों को इस आदमी ने घेर करके अपना साम्राज्य खड़ा किया है, उसमें से बहुत प्राप्त हो गई है और जो रह गई है वो भी प्राप्त उन किसानों को वापस मिलेगी, इस बात को मैं आश्वस्त करता हूँ।